बिल्कुल। तो व्यूअर्स ये देख सकते हैं कि इनके जब हस्बैंड पे एक वक्त आया तो इन्होंने हाउसवाइफ थी और ये बाहर मेरे यहाँ पर जिंगल काफी बिकता है, मैं जिंगल के नाम से मशहूर हुई थी। अच्छा, आई थिंक कि आप बड़े बड़े जो चेन रेस्टोरेंट्स हैं उनको आप भूल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? आई होप आप सही होंगे। व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोल्जर बाज़ार, ये परवेज यामीन कबाब हाउस के सोल्जर बाज़ार के रोड पे, और ये एक जो आपको नज़र आ रहा होगा ये फास्ट फूड का जो सेटअप लगाया हुआ है, ये एक हमारे माशरे में एक ये लेडीज़ फीमेल हैं जो ये अपना काम कर रही हैं, तो मैंने सोचा कि इनको आज वो करते हैं, रिव्यू करते हैं इनका। तो ये फास्ट फूड का वो चला रही हैं, हालांकि हमारे माशरे में देखें बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जो किसी पे डिपेंड करती हैं या घरेलू मसाइल होते हैं तो वो किसी और उसमें लग जाती हैं, मगर ये वो अजीम औरत हैं, ये इनसे आई थिंक ये हमारे माशरे के लिए सिंबल है। वैसे तो हमारे माशरे में बहुत सारी औरतें हर महाज में काम कर रही हैं, आर्मी में, एयरफोर्स में, डॉक्टर, टीचर्स, मगर ये देखें आप फास्ट फूड का एक रोड पे एक अपना सेटअप लगाना और उस पर ये पता नहीं कैसे कैसे लोग यहाँ पे आते होंगे उनके साथ ये काम करना यहाँ पे, तो ये एक बड़ी एक इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए हमें और उन औरतों के लिए सबक है जो जब कोई मसला होता है तो किसी ऐसे कामों में लग जाती है, और ख़ास करके वो हमारी माएँ बहनें जो घर में अपने किसी पे डिपेंड कर देती हैं कि हस्बैंड या कोई भाई उनकी वो करे, तो मेरे ख्याल में अगर कोई खुददार लेडीज़ होंगी तो वो इस तरीके से होगी। तो आज मैं आपको इनसे मिलवाऊंगा और इनकी स्पेशलिटी, इनको क्या हर्डल्स पेश आती हैं रोड पे जो ये काम करती हैं, कैसे कैसे यहाँ पे चीज़ें होती हैं, सारा मैं आपको मिलाऊंगा। मगर इससे पहले कि हम आगे इनके चलें, आप मेरा ये चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आइंदा आने वाली मेरी वीडियोज टाइम पे मिल सके। तो व्यूअर्स आए, फिर चलते हैं अंदर, आपको सेटअप में दिखाते हैं, इनसे मिलाता हूँ और फास्ट फूड का खाके फिर उसका भी रिव्यू आपको करता हूँ। तो व्यूअर्स, इस वक्त मैं इनके सेटअप के अंदर मौजूद हूँ, ये इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है सोल्जर बाज़ार के मेन रोड पे, ये वो अजीम लेडी हैं जो यहाँ पे अपना हर्डल्स तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद यहाँ पे ये अपना काम कर रही हैं, फास्ट फूड का ये चला रही हैं। तो मज़ीद ये आपको इनसे पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। तो ये आप कब से लगा रही हैं ये सेटअप? मुझे कम से कम 3 से 2.5 साल हो गए। थोड़ा दोस्त
तीन साल से ढाई साल के करीब हो गए यहाँ पर, इसी जगह पर मुझे एक साल हो गया। अच्छा, इस जगह पे एक साल हो गया। पहले आप कहाँ लगा दी थी? मैंने शू स्टार्टिंग यहीं से की थी, सामने की तरफ से। मैंने वहाँ पर मुझे खड़े होने नहीं दिया, घूमते घूमते थे यहाँ पर आई। वहाँ पे तो आप इस काम में क्यों आई? और कोई मेरे पास वो कोई जरिया नहीं था कि मैं तो हाउस वाइफ थी। अच्छा। मेरे हस्बैंड करते थे, मेरे हस्बैंड को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा। इस वजह से मैं यहाँ पे बाहर निकली, तो उनको लोगों ने खड़े होने नहीं दिया। अच्छा। तो मैं उनके साथ बाजू बना। अच्छा, तो आपने हस्बैंड का मतलब हाथ बटाया। जी बिल्कुल। तो व्यूअर्स ये देख सकते हैं कि इनके जब हस्बैंड पे एक वक्त आया तो इन्होंने हाउसवाइफ थी और ये बाहर निकल के और इनको फेस किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या क्या लोगों ने, पहले आप कहाँ थी, ये थोड़ी आपने डिटेल बताएं। मैं तो हर जगह घूमती, जैसे मच्छी बाजार गई हूँ, अलामान गई हूँ, सिविक सेंटर के बाद से भी होके आई हूँ, मच्छी बाजार, पटेल पाड़ा, इस तरह घूमते घूमते मैं वापस इधर आई। गुरु मंदिर पर भी थी, वहाँ पर से भी लोगों ने हटा दिया। पैसे वाले लोग हैं, हम गरीबों के लिए तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान बड़ा है, कहीं भी हो सकता है। मेहनत करो तो उसमें नहीं हो सकता, मेहनत करने से डरना, पीछे नहीं हटना चाहिए। तो काफी लोग, एक दफा तो मेरे हस्बैंड को पुलिस वाले लेकर भी गए थे। अच्छा, हिम्मत हार दी थी खड़े होने की वजह से लेके गए। उस समय थोड़ा सा लेट आती थी। अच्छा। तो उनको लेकर चले गए। अच्छा, तो व्यूअर्स ये देखें, इन्होंने इतने हर्डल्स आने के बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हमारी ऐसी बहादुर हमारी माए बहनों के साथ हमें साथ देना चाहिए और हमें इनको इनक्रेज करना चाहिए, बजाय इनके हमारे जो इदारे हैं इनको हटाएं यहाँ से। तो ये हमारे जो अरबाब इख्तियार इनको सोचना चाहिए बजाय इनका साथ देने के। यहाँ मुझे सराउंड में ये एक लेडीज चला रही है और यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, तो मैं उन इदारों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे लाइट का इंतजाम किया जाए। और अच्छा, आपकी क्या है स्पेशलिटी है, क्या क्या है फास्ट फूड में, वो मेरे व्यूअर्स को बताएं। मेरे यहाँ पर जिंगर काफी बिकता है, मैं जिंगर के नाम से मशहूर हुई थी। अच्छा, जिंगर काफी लोग रहते थे, अभी जिंगर के अलावा काम बहुत वो हो गया था। अच्छा, इस वजह से मैंने दूसरे काम शुरू कर दिए, साथ फूड के साथ जिंगर छोटा भी दे रही हूँ, बड़ा भी दे रही हूँ। अच्छा, आपको क्लब सैंडविच भी मिल जाएगा, पिज्जा फ्राइज भी मिल जाएगा। अच्छा, भी मिलेगा। अच्छा, और कम से कम जो है कितने का आइटम है और ज्यादा से ज्यादा कितने का आइटम? कम से कम 120 से शुरू होता है, 300 के करीब है। अच्छा जी। आप यहाँ पे किस टाइम शाम को आती हैं और रात को किस टाइम तक? मैं तकरीबन 5 बजे तक आ जाती हूँ, 5:30 बजे रात को, 2 भी बज जाते हैं, 3 भी बज जाते हैं, कोई टाइम एक फिक्स नहीं है काम के हिसाब से। अच्छा, काम अच्छा हो गया तो जल्दी चलेंगे, नहीं हुआ तो रात में बैठ गए। तो यहाँ पे आपके हस्बैंड आपके साथ होते हैं? बिल्कुल, अभी सामान लेने गए, मेरे साथ ही होते हैं। अच्छा, और ये आपका एक लड़का? जी जी, काम। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये बाहिम्मत एक खातून जो है अपने हस्बैंड के साथ ये यहाँ पे काम कर रही है और इनको मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप जरूर आए। आप अपना प्रॉपर यहाँ का एड्रेस बताएं हमारे व्यूअर्स। आप गुरु मंदिर से इस तरफ सौदेबाजार की तरफ आएंगे, वहाँ पर बिल्कुल यामीन का बहुत मशहूर है, उनके सामने बिल्कुल मैं खड़ी हूं। तो ये तीन नंबर कहलाता है, सौदेबाजार 3 नंबर कहलाता है। तो ये 3 नंबर सौदेबाजार बाजार के बिल्कुल यामीन कबाब वालों के सामने सौदेबाजार बाजार पे ये है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आके इनका ट्राई जरूर करें और मैं भी अभी खाके फिर आपको रिव्यू देता हूँ कि ये कैसा है। मैंने ब्रोस्ट अभी ऑर्डर किया, ब्रोस्ट खाके फिर मैं आपको बताता हूँ कैसा है। तो व्यूअर्स हमारे जो मैंने एक जिंगर बर्गर का इनको ऑर्डर किया है और एक ये जो ब्रोस्ट है वो बन गया है, तो अभी मैं इसको ट्राई करता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी और आई थिंक आप बड़े बड़े जो चेन रेस्टोरेंट्स हैं उनको आप भूल जाएंगे और बहुत रिजनेबल इनकी रेट्स हैं। आप बजाय कहीं बहुत महंगे रेस्टोरेंट्स में जाने के यहाँ पे इनकी इंक्रेज भी हो जाएंगी और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका रिव्यू। अच्छा, मैं ब्रोस्ट का भी आपको करके बताता हूँ। जिंगर तो सुपर, ब्रोस्ट का करते हैं दोस्तों। सर मैं ये इनकी सॉसेज हैं, बहुत ज़बरदस्त सॉस है ये। क्रिस्पी और बहुत डीपली जैसे होता है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसमें सॉस है, सॉस के साथ बड़ा एक आउटस्टैंडिंग आ रहा है। मैं इसको बहुत समझूंगा, 100 इसको पॉइंट्स दूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा
कि आप यहाँ ज़रूर विजिट करें। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा और नेक्स्ट व्लॉग के से पहले मैं आपसे इजाज़त के जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा ये चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि दोस्तों मेरे आइंदा आने वाले वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।